सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी विक्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है और आज आपको स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करके बताऊंगा दो अलग अलग पीसीज का, जैसे कि एक में है एसएसडी और एक में है नॉर्मल हार्ड ड्राइव। तो दोनों के बीच में जो स्पीड का आपको डिफरेंस मिलेगा मैं आज आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास ये दो पीसी है जिसमें जैसे कि दोनों के अंदर है विंडोज 7 अल्टीमेट 32 बिट का, और जैसे कि प्रोसेसर की बात की जाए तो एक में कोर स्टूडियो है और एक में ड्यूअल कोर है, और रैम तो दोनों में सेम मिलेगा 2GB 2GB मिलेगा। और स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट रिस्टार्ट से करेंगे, जैसे कि पीसी को रिस्टार्ट करके पता करेंगे कि सबसे पहला रिस्टार्ट कौन सा पीसी होता है। तो जैसे कि मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हो एसएसडी जो जिसमें है वो शटडाउन जल्दी हो रहा है और वो शटडाउन हो चुका है। तो नेक्स्ट जो पीसी है वो अभी भी शटडाउन मोड में जा रहा है। तो जो जिसमें एसएसडी है वो अभी स्टार्टिंग विंडो हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो परफॉर्मेंस मिलेगा आपको एसएसडी डालने के बाद कितना इम्प्रूव रहेगा। और जैसे कि आपको i3 या तो फिर i7 i5 ऐसे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हार्ड ड्राइव ही स्लो रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, तो हार्ड ड्राइव को अपग्रेड कीजिए। तो हार्ड ड्राइव अपग्रेड करने के बाद आपको 20% जैसे कि 200% या तो फिर उससे भी ज़्यादा आपको स्पीड देखने को मिलेगा। जैसे कि हार्ड ड्राइव जो जिस कंप्यूटर में है अभी तक लोड होने में ही है, लेकिन जो और एक पीसी है जिसमें एसएसडी है वो अभी तो ऑन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीड में कितना स्लो है हार्ड ड्राइव, एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव, और एसएसडी जिसमें है वो कितना स्पीड है। देखिए मैं अब कंप्यूटर ओपन करके दिखाऊंगा कि दोनों में से फर्स्ट कौन सा ओपन होता है। जैसे कि देख सकते हो जिसमें एसएसडी है वो फर्स्ट लोड ले चुका है और जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वो थोड़ा स्लो है। तो चलिए दोनों में सेम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं आप, दोनों में सेम इंस्टॉल्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों कंप्यूटर में मैंने GTA Vice City इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो दोनों को ओपन करके देखता हूँ सबसे पहले कौन सा पीसी में फास्ट ओपन होता है। तो चलिए मैं ओपन करके आपको आज बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्पीड टेस्ट कंपैरिजन मैं करूँगा अभी। जैसे कि मैंने इससे पहले स्पीड टेस्ट करा विंडोज़ का तो उसमें तो एसएसडी फर्स्ट आया। अभी मैं एक गेम को ओपन करके बताऊँगा उसमें से कौन सा पीसी फर्स्ट आता है, देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो एसएसडी जिसमें है वो गेम फर्स्ट लोड ले चुका है। जैसे कि मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो दोनों में फर्स्ट कौन सा ओपन होता है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए 1 2 3 तो एसएसडी में देख सकते हो आप ओपन हो चुका है। और जैसे कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव में देख सकते हो कितना स्लो ओपन होता है। अगर आप एक पीसी यूज करते हो घर में तो मैं सजेशन करूंगा कि आप जरूर एसएसडी परचेज करके यूज करो, क्योंकि जो आपको स्पीड मिलेगा वो एसएसडी में अच्छा मिलेगा। नॉर्मल हार्ड ड्राइव में आपका बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड मिलेगा। और जैसे कि मेरे पास नीड फॉर स्पीड दोनों में सेम वर्जन का और सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो मैं वो भी ओपन करके आपको आज बताता हूँ। तो चलिए ओपन कर लेते हैं 1 2 3। जस्ट आप एक अपना जो हार्ड ड्राइव रहता है उसको अपग्रेड कर लीजिए तो आपको जो स्पीड मिलेगा वो कमाल का मिलेगा।
और नेक्स्ट हमें आपको ओपन करके बताऊंगा कंट्रोल पैनल। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों को सेम टाइम ओपन करूंगा मैं, तो चलिए 1 2 3। जिसमें SSD है वो पहले लोड रह चुका है। और जैसे कि फास्ट परफॉर्मेंस की बात करो तो आपको SSD आपको ज़्यादा स्पीड देगा नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले। और क्रोम भी इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं दोनों के अंदर, सेम वर्जन है और सेम है। तो चलिए वो भी ओपन करके आज आपको बताता हूँ। तो चलिए ओपन कर लेते हैं 1 2 3। तो देख सकते हो SSD के अंदर वो लोड ले चुका है और ओपन भी हो चुका है नॉर्मल हार्ड ड्राइव में, अभी तक ओपन होने में है वो। तो जैसे कि आपको स्पीड का तो पता चल गया होगा कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव में और SSD में क्या फ़र्क है, तो बेहतर यही होगा कि हार्ड ड्राइव को मारो भूलिए और SSD को ले लीजिए, क्योंकि आपको एक स्पीड अच्छा स्पीड मिलेगा। और जैसे कि इस ज़माने में तो स्पीड बहुत ही तो ज़रूरी है, कंप्यूटर यूज़ करते तो स्पीड तो होना ही पड़ेगा। और एक सैन एंड्रीज है, ये भी ओपन करके आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों में सेम कनेक्शन है इंटरनेट का और दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि विंडोज की बात करें तो दोनों में भी सेम विंडोज है, लेकिन मैं आपको एक यूट्यूब का वीडियो प्ले करके बताऊंगा तो आप वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्पीड कौन सा है। तो आप देख सकते हो जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वो लोड लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन जो SSD है वो बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। जैसे कि आपको नॉर्मल डेज के यूज़ में SSD बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपको। जैसे कि मैं अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके बताऊंगा कि जैसे कि किस में ज़्यादा स्पीड से ओपन होगा। तो देख सकते हो जैसे कि अभी भी ओपन फर्स्ट SSD में हो चुका है और लोड भी वहाँ पर पहले हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल हार्ड ड्राइव में बहुत ही बेकार स्पीड है। जैसे कि मैं नॉर्मल हार्ड ड्राइव पहले यूज़ करता था, लेकिन अभी स्पीड का पता चलने के बाद अभी सभी पीसीज में SSD यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको वीडियो कंपैरिजन कर रहा हूँ SSD का और हार्ड ड्राइव का कंपैरिजन करने के लिए, मैंने एक में हार्ड ड्राइव और एक में SSD यूज़ करके आपको आज बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं रोजाना लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।